जिस तरह से ये हुजूम देख रहे हैं तमाम तख्तियों पे लेकर के ये पद यात्रा बिरसा उलगुलान पद यात्रा नाम दिया गया है। आप जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम नारा को लेकर के यहाँ दी जा रही है। आप देख सकते हैं 1932 लागू करो 1985 छोड़ो, इस तरह का कुछ नारा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं दादा क्या जरूरत पड़ गई है आप लोग रोड पे आ गए। हम लोग विगत 200 साल के लंबे संघर्ष के बाद हम लोग अपना झारखंड राज्य को अलग किए थे। जो नीति जो योजना जो स्थानीय नीति नियोजन नीति बनना था वो आज तक नहीं बना है। 21 सालों में हमेशा हम लोग जो भी सरकार आई हम लोग हमेशा छले जाते रहे हैं, लेकिन अब हम नहीं छले जाएंगे क्योंकि एक युवा झारखंड का हम लोग नवनिर्माण करेंगे और देख रहे हैं कि सारे युवा एक मत में हैं ताकि हमारी अपनी नीति होगी, अपनी स्थानीय नीति होगी, अपनी नियोजन नीति होगी और जितने भी बाहरी भाषा को 9-5 जनजातियाँ और 4 क्षेत्रीय भाषा के अलावा जो भी भाषा हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपने का काम किया उसको अविलंब सरकार वापस ले। काला से बोल रहा है कि हम भोजपुरी मगही को हटने नहीं देंगे झारखंड से। कोई माइकल लाल में इतना ताकत नहीं है कि झारखंड की अस्मिता और पहचान को मिटा सके। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं अगर उनको चाहिए भी दूसरा बिहार तो जाए अपने बिहार में अपना अधिकार को मांगे। यहाँ पर झारखंड की पहचान है, झारखंडियों के अधिकार है। हम लोग किसी भी हालत में कोई किसी को भी अपना हक अधिकार को छीनने नहीं देंगे। जिस तरह से आपने सुना कैलाश यादवों की बयान को लेकर के करारा जवाब दिया है, आप देख सकते हैं तमाम हुजूम सीधे बिरसा मुंडा समाधि स्थल से बिरसा मुंडा संग्रहालय तक ये जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम नारे किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काका आप लोग हेमंत सोरेन को सरकार बनाए हैं, आप जो रोड पे उतर रहे हैं हेमंत सोरेन को हम लोग बहुमत से जिताए थे, गठबंधन का सरकार है, फिर भी हम लोग आज रोड में इसलिए उतरे हैं क्योंकि ये बाहरी भाषा मगही भोजपुरी मैथिली के हियाँ झारखंडी भाषा देवे के लिए कोशिश कर ले हैं और दे हैं इकर विरोध में। साथ ही साथ जे खन से ही सरकार में बैठे से समय से जमीन कर लूट भी ज़्यादा हुआ थे, जमीन के लूट के या CNT कर पालन नहीं हुआ थे। साथ ही साथ SR कोर्ट में जे मामला है और फैसला CNT के दर्ज में आए हैं, दखल दिहानी कर काम आज तक भी नहीं करे, 2 साल केवल बहाना बनाते चले इनके इकर विरोध में पूरे झारखंड में पूरा आदिवासी समाज बने जैसे स्टूडेंट्स बने समाज सेवी बने नेता बने या विभिन्न संगठन के लोग बने ये आए गए रोड में आए जाए हैं। और अगर महीना 6 महीना तक अगर ये सुधार झारखंड के नहीं करेला तो इकर दिशा 24 में इके मने बिहार या दुमका भगा कर कोशिश कर इस सीट में कहियो नहीं आवी। हम
देशम गुरु कर बेटा है के कई के आदर सत्कार करत रही, लेकिन इकर में उग उन्नक है झारखंडी गुण नक है, ये चापलूसी कर गुण है के ऑफिसर मने के जगह दे के ऑफिसर मने के जगह दे करके यहाँ कर नीति नियोजन नीति स्थानीय नीति रोजगार नीति और जाति प्रमाण पत्र मने विभिन्न तरह कर में कोई तरह कर 2 साल में सुधार नहीं करे कई कि अब हम ही मन से हार के आए रोड में उतरी और इके ऐलान कर थी आज बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा कर समाधि में आज हम ही कसम खाली वादा कर रही कि अगर भ्रष्टाचार के नीति नियम के और बाहरी भाषा के अगर सुधार नहीं करी यहाँ जगह देवी तो इके भी वैसने हम ही वैसने भगाब जैसे रघुवर सरकार के भाजपा सरकार के माने उल्टा दिशा दिखा कर कोशिश कर ली आज मुंह दिखा के लाख रखे वैसने इके सरकार में हम ही माने 24 में इके राजगति छोड़वा आज हम ही चेतावनी देवा थी कि सुधरे इस सरकार सुधरे और जत भी बाहरी अफसर मैंने भी के चेतावनी देव थी बाहरी अफसर मैंने के कहा थी कि अगर यहाँ अगर नीति नियम और कानून के अनुसार अगर यार शासन नहीं करेगा और ड्यूटी नहीं करेगा तो उनको ऑफिस में भी घुस करके हम लोग मारने पीटने का काम करेंगे और इनको झारखंड से भगाने का काम करेंगे। इसलिए बाहरी अफसर भी जीत जाए, अगर बाहरी अफसर यहाँ आए आए और अगर किसी तरह का यहाँ का नीति नियम के अनुसार काम करे तो बढ़िया है और नहीं तो सुधर जाए और इनको हम लोग अच्छा माने बाहर का दिशा दिखाने का कोशिश करेंगे। इसलिए अफसर लोग थानेदार हो चाहे सीओ हो चाहे पीडीओ हो चाहे डीसी हो चाहे सचिव है या डीजीपी हो सभी को यहाँ के कल्चर के अनुसार भाषा संस्कृति के अनुसार माय माटी के आदर करते हुए कि मैंने काम करवा कि मैंने कहा हम जगह देव नहीं तो ऐसा मार के भगाब कि मैंने कहीं भी दिशा नहीं आ पाए इतने कहीं करे हम अंत कर दे। धन्यवाद। क्या नाम है? मैं राजेश लिंडा आदिवासी सेना का केंद्रीय सचिव राजेश लिंडा। आप लोगों ने जिस तरह से सुना है तमाम मुद्दे को लेकर के यहाँ आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं विधानसभा सत्र चल रहा है लेकिन झारखंडियों की स्थिति इस तरह से है कि अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतारने के लिए बेबस हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ तमाम माता बहनें बच्चे बूढ़े काका काकी सब यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से आप स्लोगन भी लिखे हुए आप तमाम चीज़ों को दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं और झारखंड की हेमंत सोरेन को ये दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये क्यों उतर गए रोड पे? आज हमें आज हमारा झारखंडियों का अस्तित्व खतरे में है। जिस समझ के जिस उद्देश्य से झारखंड अलग हुआ था आज वो हम झारखंडियों को ऊपर में पानी फिरता देख रहा है। हमने सोचा कि झारखंड अलग हुआ, हमने सोचा कि हमारे झारखंडियों ने सोचा कि आज हमारा झारखंडियों का विकास होगा, उन्हें रोजी रोटी मिलेगा, आज उनका धर्म का उन्हें संस्कृति का सम्मान होगा, उनकी रक्षा होगी, लेकिन आज उनका विपरीत हो जा रहा है। आज हमारे झारखंडियों प्रवासी होने पर मजबूर हो जा रहे हैं, दर दर भटकने मजबूर हो जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार होश में आए और हमारे लोगों को जल्द से जल्द आसानी लागू करे और भी 1935 का खाद्यान्न के आधार पे और नियोजन नीति और यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार देने का क्रिया करे ताकि यहाँ के लोगों को फले फूले और उसका अपना अधिकार है उसका मान सम्मान बढ़ सके। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार यार नहीं करेगी अगर हम झारखंडियों की आवाज नहीं सुनती है तो हम लोग ग्राम सभा से लेकर संसद तक ईट से ईट बजा देंगे और सरकार का गद्दी को हिलाने का काम करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि सरकार होश में आए और जल्द से जल्द 1935 का खाद्यान्न लागू करे और यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार दे, यहाँ के लोगों को धर्म संस्कृति और माटी की रक्षा हो
और यहाँ पे जो हमारी बाहरी भाषा को थोपा जा रहा है, जिसके आधार पे यहाँ के लोगों को हमारी भाषा के अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप झारखंडी आदिवासी मूलवासी, आप अपने हक के लिए आप अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और हम कतई नहीं चाहेंगे कि हम आदिवासियों की एक, आप हम लोग सारे झारखंड के आदिवासी एक हो चुके हैं और एक है तो गुलगान कर रहे हैं। और सरकार जल्द से जल्द होश में आए और हमारी 1932 का खतियान लागू करें, अन्यथा वो अपनी कल के ऐसा समय ना हो कि वो कल विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगी। मैं कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमारे लिए आसानी नियोजन नीति लागू करें, मैं यही कहना चाहता हूँ। स्थानीय विधायक लोग क्या बोलते हैं? विधायक लोग सब यहाँ का कठपुतली हो गया है। विधायक हम यहाँ से जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए विधानसभा से लेकर संसद में जा, लेकिन सब सब क्या हो गया, पिंजरे में बंद हो गया है। किसी की इच्छा शक्ति नहीं है, वो केवल अपनी लाभ देख रहा है, अपनी ग्रामीणों अपनी जनता की लाभ नहीं देख रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब ग्रामीण, हम जनता उन्हें जीवित करने का काम कर रहे हैं और कल में ले गए मैं उनसे बहिष्कार करने का काम करूंगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे संसद हमारे विधायक हमारे लिए कानून बनाए और हमारे लिए आवाज उठाए और हमारे लोगों को नियोजन और राजस्थान नीति लागू करे, वो भी होगा 1932 के खतियान के तौर पे 1932 के लागू करना होगा। आपने जिस तरह से देखा 1932 के आधार पे स्थानीय नीति नियोजन नीति को लागू करने के लिए जिस तरह से गुलाम चल रही है रांची के सड़कों पर, और ये हुजूम आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ शायद आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ये वही लाइन है, ये वही कतार है जो अपनी आशीष दुआ और अस्मिता को बचाने के लिए सभी बूढ़े बच्चे मामा मामी काका काकी सब यहाँ पे लाइन पे इकट्ठा हुए हैं, लाइन पे खड़ा हुए हैं। ये वही हुजूम है बिरसा मुंडा की समाधि, ऐसा से बिरसा मुंडा की संग्रहालय तक ये जाएगी। आप जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे तमाम युवा युवती बूढ़े बच्चे काका काकी सब यहाँ सड़क पर उतारने के लिए व्यवस्थ हुए हैं। आप जिस तरह से आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों को हम बारीकी से हम समझाने की बताने की मैं प्रयास करूँगा, दिखाने की मैं प्रयास करूँगा। आप जिस तरह से ये हुजूम देख रहे हैं ये हुजूम वही है बिरसा मुंडा समाधि, ऐसा से बिरसा मुंडा संग्रहालय तक अपनी हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए रांची के सभी आदिवासी संगठन एकजुट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से जहाँ जहाँ आप दिखाई दे रहा होगा, और तमाम जानकारी को हम जाने की प्रयास करते हैं, आप लोग देखते रहिएगा। सर आज विधानसभा सत्र चल रहा है, आप लोग सड़क पर क्यों उतरे हैं? देखिए सरकार अपना सरकार बना है, अबुआ राज सरकार बना है, हम चाहते हैं कि 18 साल बीजेपी का शासन रहा और इतना लंबा समय के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी है। हम सरकार से आगाह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपका मैनिफेस्टो में था 1932 खाद्यान्न, आप स्थानीय नीति को प्रभावित करिए, क्योंकि झारखंड आदिवासी मूल के बात करना होगा, क्योंकि जितने भी झारखंडी हैं चाहते हैं कि आप ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा नीति का निर्माण करना होगा जो झारखंडी हित में हो। जितने बाहरी भाषा है उनको बाहर करना होगा और जितने आपके 9 जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा है उनको सभी जिलों में लागू करना होगा। कैलाश यादव बोल रहा है कि हम बाहरी भाषा को हटने नहीं देंगे झारखंड से। कौन कैलाश यादव? कैलाश यादव बोल रहा है कि ये लोग हम जानते भी नहीं है, ये लोग की संख्या 5-6 संख्या है। झारखंड बंद भी हुआ था, 5 लोग बंद करने निकाले थे, आज तो उन्होंने एक सिम्बोलिक जुलूस निकाले हैं। अब देखिए भीड़ कितना है, लोगों का समर्थन प्राप्त है, जितने भी झारखंडी लोग हैं चाहते हैं कि आदिवासी मूल व्यक्ति का एकता का परिचय मिले और हम लोग चाहते हैं कि राज्य में स्थानीय नीति बने और रोजगार का सृजन हो। बिना रोजगार का यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है। झारखंड राज्य का उद्देश्य था कि यहाँ के मूलवासी आदिवासी को रोजगार मिले। जिस तरह से आप देख रहे हैं अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए तमाम मुद्दों को लेकर के झारखंड की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। आप देख सकते हैं ये वही हुजूम है जहां आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा समाधि, ऐसा से बिरसा मुंडा संग्रहालय तक ये जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहरी भाषा क्यों नहीं चलेगा? बाहरी भाषा झारखंड में पिछले जब झारखंड राज्य अलग हुआ था 2000
2000 में उस समय से बाहरी भाषा जिस तरह से अतिक्रमण कर रही है वो सचमुच बहुत ही चिंतनीय है। इस मुद्दे पर राज्य सरकार को बहुत गहन चिंतन और मनन करना होगा कि बाहरी भाषा जिस तरह से अतिक्रमण कर रही है, बाहरी भाषा अतिक्रमण कर रही है तो जिस तरह से वो रोजगार और स्वरोजगार पर भी चोट कर रही है, तो यहाँ के झारखंडियों भाई भाव का हकमारी लूटा जा रहा है। इसीलिए हम तमाम सोशल मीडिया से अनुरोध करते हैं कि ये बात राज्य सरकार के ऊपर प्रमुखता से ये बात पहुँचे। जोहार, धन्यवाद। जिस तरह से आपने देखा बाहरी भाषा के लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर के झारखंड की जनता, झारखंड की आदिवासी संगठन जिस तरह से मुद्दे को आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और ये बाहरी भाषा झारखंड में नहीं चलता हो, जिस तरह का ये नारा आप देख सकते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं ट्रैफिक की विशेष रूप से विधि व्यवस्था किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये हुजूम बिरसा मुंडा समाधि स्थल से बिरसा मुंडा संग्रहालय तक ये जा रही है, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासनिक रूप से विशेष विधि व्यवस्था को सही तरीके से सुचारू रूप से संचालन करने के लिए प्रशासन की काफी भूमिका रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे निर्मल मातु की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये शहीद निर्मल मातु है, देख सकते हैं यहाँ पे उसकी प्रतिमा पर उस माल्यार्पण करके उसकी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो हुजूम देख रहे हैं जिस तरह से झारखंड की रांची पर ये हुजूम है, झारखंड की स्थिति कुछ इस तरह से है। आज झारखंडियों मजबूर किया गया है, जिस तरह से आप जहाँ जहाँ तक आप देख सकते हैं वही हुजूम है अपनी हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए। छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ
यहाँ पे तमाम बच्चों को लेकर। आप अपने बच्चों को भी लाए हैं? आप घर में नहीं है कि आप अपने बाबू को लेके आए हैं? हम लोग सब आए हैं, पूरा परिवार आए हैं। क्यों आ गए आप? हम लोग अपना 1932 का खतियान को लागू करने के लिए बोलने के लिए निकले हैं, हेमंत सोरेन का कान तक पहुँचाने के लिए निकले कि हम लोग अस्थायी नीति लागू करें, 1932 का खतियान लागू करें। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे बिरसा मुंडा संग्रहालय यहाँ पहुँच चुकी है, आप देख सकते हैं तमाम हुजूम, और यहाँ पे गेट फिलहाल बंद है क्योंकि ये हुजूम अगर बिरसा मुंडा की संग्रहालय भी जाएगी। लोक लगा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे बिरसा मुंडा की संग्रहालय पर। दीदी आप गेट बंद है? दीदी गेट बंद है तो गेट खोलने की बात की थी कि यहाँ पर पूजा करने लोग आ रहे हैं, है ना? जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ बिरसा मुंडा की संग्रहालय है, ये जो हुजूम वही है बिरसा मुंडा की समाधि है स्थल से बिरसा मुंडा, ये जो आप संग्रहालय देख सकते हैं ये संग्रहालय तक आ चुकी है। आप देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर के झारखंड की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। आप आज तक हेमंत सोरेन अपने कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। थोड़ा जा रहा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि लोक लगा